हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इधर देखिए, आज भी मैं विनय भाई के घर पे हूँ। रात का कितना बज रहा है आप लोग देख सकते हैं घड़ी में, 10:25 हो रहे हैं। और खाना पीना खा लिए हैं, विनय भाई ड्यूटी गए हैं और ड्यूटी से आए उनका 2:30, कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी आएंगे लेट ही आएंगे। तो मैं मार्केट गई थी, कपड़ा पहनी थी, काफ़ी दिन से नाइटी नहीं पहन रही हूँ। मुझे उलझन हो रही है क्योंकि मेरी आदत है कि रात को नाइटी ही पहन के सोने का। और जितने दिन से आई हूँ, मैं बन्ना के घर पे भी ड्रेस पहन के सो जाती थी, किट्टो के घर पे भी ड्रेस पहन के सो जाती, इतनी उलझन होती थी। आज मैं यहाँ आई हूँ तो कोमल का नाइटी था, पहन नहीं हूँ, लेकिन आज मैं मार्केट गई थी एक नाइटी खरीद के लेके आई हूँ। मुझे बगैर नाइटी का नहीं रहा जाता है। ये होता है, नाइटी में थोड़ा रिलैक्स फील होता है और रात को सोने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर आर्यन देखिए, तो मामा घर पे कैसा लग रहा है? ऐसा लगेगा कैसा लग रहा है? जैसा लगता है सबको ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं आर्यन को बोरिंग लग रहा है। बोल रहा है मैं भी आरो के साथ किट्टू मौसी के घर चला जाता तो अच्छा रहता। मैं बोली चली गए, चले गए होते। और किट्टो भी फ़ोन की थी, मैं लेटी थी तो बोल रही है लेटी हो जाके, ये नहीं कि यहीं पे रहती। हम कहे नहीं, वो मुझे टी शर्ट भी एक्सचेंज करना था और टिकट के लिए मुझे वहाँ रहती थी। मुझे समझ में पता नहीं क्यों ना, मुझे लोगों के बीच में पता नहीं क्यों अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ ढेर सारे लोग रहते हैं वहाँ अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ही होता है कि मैं अकेले, जैसे ये होता है काम वाम करके फ्री हो के, तो ये मेरा ये हाथ आप लोग को पता है कितने दिन से मेरे इस हाथ में प्रॉब्लम है, ये हाथ उठ नहीं रहा है। क्या हो गया है जोर पे पता नहीं। आ गया नारो, दोनों लोग बोल रहे हैं डॉक्टर को जाके दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं जाती नहीं हूँ। देखो अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं जाऊँगी। तो मैं आर्यन घर में अकेले हैं, आरो चला गया है मौसी के घर पे। तो अब तो हम लोग जा रहे हैं सोने। आप लोग का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जैसे इस तरीके यहाँ आप लोग प्यार देते हैं, वैसे जब मैं मुंबई में रहती हूँ, अकेले संघर्ष करती हूँ, अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, तो आप लोग अपना प्यार अपने पूनम दीदी पे ऐसे ही आप लोग देते रहेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जब प्यार देते हैं तो वीडियो भी बनाने का मन करता है, हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। सोचती हूँ मेरा फैमिली मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्यों ना। वैसे तो दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। और क्या मैं बोलूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आप सबसे सुबह और जा रही हूँ सोने। आप मेरी पूरी फैमिली को गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोग उठ चुके हैं और यहाँ पे देखिए विनय मामा भी उठ गए, गए नीचे दूध लाने। और इधर मम्मी क्या सुबह सुबह लहसुन छिल रही हैं। आज मामा का सुबह ड्यूटी है ना, इसलिए जल्दी से फटाक से खाना बनाना पड़ेगा। सुबह ऐसे नाइट ड्यूटी जाते थे, आज डे ड्यूटी जाएंगे। फटाफट दूध है लेकिन थोड़ा सा, तो बोली जाओ लेके आओ। देखो चाय पत्ती नहीं है, मामा से बोल दो चाय पत्ती लेके आ जाएंगे। चाय रख दूँ, फटाक से खाना बना दूँ, बिस्तर सही करना है, वो तो सब धीरे धीरे होता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दूध आ गया है, मम्मी यहाँ पे दूध रख दिए, चाय बना रही है और इधर पे क्या कि प्याज काट रही है और धीरे धीरे खाने के ऊपर रही है। क्या है कि घड़ी में 10 बज गए, मामा का 12 बजे ड्यूटी भी है और नीचे कचरे की गाड़ी भी आ गई है, कचरा गया मैं फेंक के आ गया हूँ। फटाफट चाय बनाओ, 10 बज गया। हेलो जुटे ब्लॉग में, तो तुम मम्मी यहाँ पे प्याज व्याज काट के, तो मिलते हैं आप सबसे। सो गाइस, इधर देखिए हमारा चाय बन के रेडी हो गया है और आर्यन इधर लग गए हैं चाय और खारी खाने में। और विनय अभी किचन, इधर देखिए नमकीन और खारी रखा हुआ चाय हमारा और विनय भाई का। तो विनय भाई किचन में है, आ रहे हैं, हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। हाँ चाय बन गया है, चलो। पानी, हाँ पानी नहीं है, पानी पीने के लिए मुझे पानी नहीं है। लंच में खाएंगे, आरेंगे बाहर, हम भी खा लेंगे। चलो मामा और भांजा मिलके खाना। आरो चला गए, वो भी खाता।
बाप रे, कल एक घंटा रो रहा था, इतना रो जाने के लिए। हाँ जाने के लिए, यहाँ क्या करूँगा, मुझे बोरिंग हो रहा है। अंकल वहाँ क्या करोगे, बोरिंग हो रहा है, वहाँ भी जाओगे नहीं रहोगे, नहीं वहाँ जाएंगे। जाते ही दोनों फिर सुनाती रात को फोन की थी, बोले ये आते ही हम लोग पार्क में चले गए मौसी। हम कहा इसीलिए दोनों का मन नहीं लग रहा था। लोग जुड़े रहे ब्लॉग में, तो मम्मी आते कपड़ा धो के तो मिलती है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी क्या रोटी सेक रही है यहाँ पे, कैसा हिला रही है। तो गाइस इधर देखिए हमारा रोटी बन रहा है, और खा विनय भाई अपना चिकन वगैरह बना लिए हैं, क्योंकि आज आज सोच रहे हैं कि आर्यन का टिकट हो जाएगा तो आर्यन चला ही जाएगा, और टिकट के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जितना बन सक रहा है उतना, कितना मैं आपसे बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं। और बस मिल जाएगा तो ज़रूर हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, टिकट निकल जाएगा तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ही आएगा, पता चल जाएगा कि हमारा टिकट निकल गया है। वैसे भी कल बन्ना और डीके जी भी बोल रहे थे कि क्या जा रही हैं, 8 दिन होली रह गया है, रहो हाँ होली बिता के जाना, क्या ज़रूरत है, आखिर जाएंगी वहाँ अकेले रहेंगी। लेकिन आर्यन का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आर्यन तो आज सोया था तभी सुबह, निकलवा रही हो कि नहीं टिकट बोलो, नहीं नहीं निकलवा रहे, होली बिता के जाएंगे। तो आप लोगों का क्या राय है, मैं दिल्ली में होली बिता के जाऊं या फिर आर्यन की जीत की वजह से मैं चलूँ मुंबई के लिए। टिकट निकल जाएगा तो कंफर्म है जाना है, लेकिन ऐसा कुछ अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कल काफ़ी बोल रहे थे हमके बिना चला जाए, कहें कि मेरे घर आके रहो, क्या दिक्कत है, लेकिन मैं बोली नहीं जाना है, बच्चों का पढ़ाई लॉस जा रहा है। हाँ बोल रहा हूँ आपको, फटाक से निकालो, लिखी फटाक से, जैसे लग रहा है मेरे हाथ में है क्या, इतना मामा कितना कोशिश किए, आते वक्त जिससे निकलवाई थी उसी से निकलवा लो, आते वक्त जिससे निकलवाई थी तो मामा निकलवा रहे हैं ना, मामा भी के मोबाइल से नहीं निकला तो फिर उसके बाद पता नहीं किसको दिए हैं करके, मतलब कोई टिकट निकालता है उसको दिए हैं, उनसे निकलवा लेंगे। क्या आवाज कभी नहीं मिला क्या, अभी कुछ पता नहीं चला है। 12 तो बज गया और 11 तो बज गया, 11:40 हो रहा है, तभी मामा फोन करेंगे। देखो डालो जुड़े हुए ब्लॉग में, तब तक मैं यहाँ पे रोटी बना के फिर मिलती है आप सबसे। गाइस इधर मम्मी का खाना बन के रेडी होने वाला है, मामा चले गए नहाने, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अच्छा नए ब्लॉग के साथ, अभी बाय बाय, टाटा से।